स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी डायलॉग्स में एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज हम एग्ज़ाम का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एनालाइज करने जा रहे हैं, जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है। और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमने एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। हम शॉर्ट वीडियोस के द्वारा एमसीक्यू के टॉपिक्स को कवर करवाएंगे। और अगर आपको ये वीडियोस देखनी है तो हमारे स्टडी डायलॉग चैनल पर विजिट करें। चलिए अब हम आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, वो है वर्ल्ड फूड डे। अब वर्ल्ड फूड डे की थीम है वाटर इज़ लाइफ एंड वाटर इज़ फूड। यहाँ पे वाटर की इम्पोर्टेंस पर बहुत जोर दिया गया है और यहाँ पर अर्जेंट एक्शन लेने के लिए डिमांड करी गई है कि हमें वाटर को वाइसली मैनेज करना है। ओके, तो अगर हम देखें कि वाटर की कमी के बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने देखे हैं अभी रिसेंटली, है ना, अपने खुद के देश में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ऑल ओवर द ग्लोब में हमने देखे हैं, और क्लाइमेट चेंज के इंसिडेंट्स भी देखे हैं। रिसेंटली हमने देखा है हीट डोम के इंसिडेंट्स, मैसिव फ्लड्स के इंसिडेंट्स, हीट वेव्स के इंसिडेंट्स। तो बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस कर रही हैं क्लाइमेट चेंज के चलते, जैसे कि ड्रॉट, फ्लड, अनसीजनल रेन, ठीक है। ये हम टॉपिक से पहले से ही अवगत हैं, आप जानते ही आजकल की परेशानियाँ हैं ये। अच्छा, अब वाटर की इम्पोर्टेंस की हम बात करें तो ह्यूमन जो है वो वाटर के बगैर 2 दिन के बगैर भी नहीं रह सकता, अगर वो पानी ना पिए तो। लेकिन अगर वो खाना नहीं खाएगा ना तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा तक रह सकता है। तो अब आप समझ गए कि वाटर लाइफ की सस्टेनेंस के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। और फ्रेश वाटर हमारी अर्थ पर एक यूनिक एलिमेंट है जो कि सिर्फ हमारी अभी तक, मतलब हाँ, अर्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, तो अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो 60% टोटल नेट सोन एरिया है वो रेनफेड एरिया है। रेनफेड एरिया का मतलब है कि 60% नेट सोन एरिया पर जो खेती होती है वो मॉनसून पर डिपेंड है, और उसमें से 40% फूड प्रोडक्शन इसी रेनफेड एरिया में से होता है, ठीक है। अब आप ये भी जानते हैं कि हमारा मॉनसून कितना इराटिक रेनफॉल पर, कितना ज़्यादा इराटिक रेनफॉल होती है, ये सब प्रॉब्लम्स तो आप जानते हैं। चलिए इसको अभी एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि हमारा 60% एरिया कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे फूड प्रोडक्शन के लिए। ओके, अब जैसे हमने माना कि हमारा टोटल नेट सोन एरिया 100 हेक्टेयर का है। अगर 100 हेक्टेयर हमारा नेट सोन एरिया है तो 60 हेक्टेयर उसमें से रेनफेड एरिया होगा, और अगर हमारा टोटल प्रोडक्शन 100 क्विंटल है तो उसमें से 40 क्विंटल इस रेनफेड एरिया में से आएगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन रेनफेड एरिया, रेनफेड एरिया मतलब जो मॉनसून पर डिपेंडेंट है। तो अगर मॉनसून भविष्य में ख़राब रहा या ऐसे ही क्लाइमेट चेंज के इंसिडेंसेस होते रहे तो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बहुत नज़दीक है हमारे, ठीक है। इसी के कारण एग्रीकल्चर जो है वो बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में है क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट की वजह से। ये तो अब आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब हमने रिसेंटली टमाटर के प्राइसेस, आप सबको पता होगा कि 100 रुपये, 200 रुपये इतने पहुंच चुके थे, ये भी क्लाइमेट चेंज का ही असर था, ठीक है। तो अब आप खुद ही अवगत हो कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। चलिए अब अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, वर्ल्ड के सिनेरियो की बात करूं, तो फ्रेश वाटर का 72% विड्रॉल, चाहे आप ग्राउंड वाटर से हो चाहे फ्रेश सरफेस वाटर से हो, वो हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर में यूज़ होगा तो इरिगेशन में यूज़ होगा, तो इरिगेशन जो है वो बहुत बड़ा बिगेस्ट बर्डन है हमारे फ्रेश वाटर के ऊपर। अब वो फ्रेश वाटर चाहे आपने ग्राउंड वाटर से लिया हो, एक्वीफायर लेक्स या पॉन्ड से लिया हो। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब ऐसे ही सिनेरियो के चलते हमारी इंडिया में 80% स्मॉल स्केल फार्मर्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में आ गए हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के असर आपने देखे ही हैं, एक्सट्रीम वेदर के इवेंट्स भी देखे हैं। और हमारी एक आदत ये है
और बहुत सारे लोगों की मतलब कंट्रीज़ में है कि वो पुअर वाटर मैनेजमेंट आज भी करते हैं, और जितना पानी नहीं भी चाहिए उससे बहुत एक्स्ट्रा अपने खेतों में पानी डालते हैं। तो इन्हीं सब आदतों के कारण और इन बातों के कारण स्मॉल स्केल फार्मर बहुत प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एस्टिमेट रिलीज़ करा है, एस्टिमेट रिलीज़ करा है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रेश वाटर ओवरयूज़ या एक्सट्रीम वेदर इवेंट के क्या इम्पैक्ट्स होंगे उनके बारे में बताया है। ठीक है, जैसे कि अब अगर हम देखें तो राइस, वीट और मेज़ के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे ये बताए गए हैं। राइस में अब दो तरह की है, कुछ एरियाज़ हैं जो कि रेन फेड हैं, कुछ एरियाज़ जो हैं वो इरिगेटेड हैं। इसमें गवर्नमेंट ने 2050 और 2080 में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये बताया है। 2050 में जो रेन फेड एरिया वाले राइस के जो फील्ड हैं उनमें 20% प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब हम फिर से एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि मानो 100 क्विंटल प्रोडक्शन है राइस का अभी प्रेजेंट में, तो 2050 में वो 20% कम हो जाएगा, 20% रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 2080 तक जाएंगे तो 47% प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मतलब सिर्फ 53 क्विंटल ही बचेगा। इरिगेटेड, अब राइस के वो फील्ड्स जो कि इरिगेटेड हैं उनमें 3.5% या 5% इतना रिडक्शन होगा, ऐसे ही वीट और ऐसे ही वीट और मेज के भी रिडक्शन एस्टिमेट किए गए हैं, इनमें भी रिडक्शन है। अब अगर हालात ऐसे ही रहते हैं ना, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है, तो इतनी भयानक स्थिति होगी कि हम लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो सकते हैं। अब भविष्य में पॉपुलेशन बढ़ेगी मतलब डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई कम हो जाएगी, तो सोचो इन्फ्लेशन कितना बढ़ जाएगा। अभी हम सिर्फ टमाटर के दामों को लेकर इतने चिंतित हो गए थे कि सबने टमाटर खाने छोड़ दिए थे, अब अगर ऐसा इन्फ्लेशन होगा भविष्य में तो लोगों को रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ऐसी ही सिचुएशन रही तो हमारी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अब ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एस्टिमेट्स बोल रहे हैं। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ, ये ऐड करना चाहती हूँ कि ये सिचुएशन और भयंकर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है हमारा जो इंडिया है राइस का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस है। अब राइस को एक्सपोर्ट करने में इंडिया इनविजिबल वाटर एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि राइस एक वाटर गजलिंग क्रॉप है। वाटर गजलिंग क्रॉप का मतलब होता है कि जब भी आप राइस को कल्टीवेशन करते हो ना, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा पानी की खपत करता है। आपको पता है 1 किलो राइस के कल्टीवेशन में 5,000 लीटर ऑफ वाटर खपत कर होता है। तो आप सोचो कि हम तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर हैं, तो हम कितना ज़्यादा पानी एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसी के कारण हमारे जो ग्राउंड वाटर हैं, अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहे हैं धीरे धीरे, और पानी के हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जल संसाधन हैं, वो खाली होते जा रहे हैं। अब हम एक डाटा की बात भी कर लेते हैं। इंडिया में आपको पता है 10 साल पहले ज़मीन में 10 मीटर की डेप्थ पर वाटर मिल जाया करता था, लेकिन अब 60 या 70 मीटर की डेप्थ पर मिलता है। मतलब 60-70 मीटर की डेप्थ पर आप खोदोगे, खोदते चले जाओगे तब जाकर आपको पानी मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। अब ऐसी स्थिति हमारे इंडिया के 63% जिले वो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के खतरे में हैं। ठीक है, और इन्हीं वजहों से पॉवर्टी लेवल 10% अधिक हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि वहाँ पानी की बहुत कमी है, और पानी आपको पता है एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, तो इसीलिए पॉवर्टी बढ़ रही है। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, जो कि नियर फ्यूचर में फूड इनसिक्योरिटी के खतरे को और बढ़ा सकता है। ठीक है, अब चलिए, ये तो हमने करी प्रॉब्लम्स की बात। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं समझने के लिए, और अपनी आदतों को हमें चेंज करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए, अब ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें उठाने होंगे, गवर्नमेंट को उठाने होंगे, हम सोसाइटी को उठाने होंगे, और हमें अपने अंदर बदलाव करने होंगे और नए नए इनोवेशन भी करने होंगे। चलिए वे फॉरवर्ड करते हैं। वे फॉरवर्ड में है कि सबसे पहले अगर हमने सस्टेनेबल फ्रेश वाटर इरिगेशन टेक्नोलॉजी को अपना लिया, तो कुछ हद तक
ये हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। अब आप पूछोगे कि सस्टेनेबल का मतलब क्या है। सस्टेनेबल का मतलब है कि हम पानी आज भी यूज़ कर लें और भविष्य में आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ दें, वो भी अच्छे से इसका यूज़ कर लें। ठीक है, पानी को हम लोग रीयूज़ करें और ऐसी टेक्निक्स, ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं जिसमें कि वाटर इवेपोरेशन बहुत ही कम हो। इसका एक लाइव एग्जांपल है, इसका एग्जांपल ये है, जैसे कि बिहार में अभी एक प्रोग्राम आया है, नीचे मछली ऊपर बिजली। ठीक है, नीचे बिजली, नीचे मछली ऊपर बिजली में आपको पता है क्या कर रहे हैं ये लोग? हाँ एक मिनट, हाँ जैसे कि नीचे अगर पॉन्ड है ना, यहाँ पे मानो पॉन्ड है और इसके अंदर ये मछलियाँ हैं, मछलियाँ वैसे लग नहीं रही पर आप मान लो, ठीक है, नीचे फिश रेयरिंग हो रही है, फिश का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे हम ट्रेड के लिए कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, और इसी पॉन्ड के ऊपर, वाटर रिसोर्स के ऊपर यहाँ पर ऐसे सोलर पैनल्स लगा दिए हैं। अब सोलर पैनल्स लगा दिए हैं तो इनकी जो छाया है वो इस पॉन्ड के ऊपर पड़ेगी। अब छाया पड़ गई मतलब एक तरह से ये ढक गए, है ना, अब ढक गए तो वाटर इवेपोरेशन बहुत कम होगा, तो नीचे से फिश का प्रोडक्शन और ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। तो ये एक इनोवेटिव तरीका है कि हम लोग क्या करें, सस्टेनेबल फ्रेश वाटर इरिगेशन या और ऐसी टेक्निक्स को अपनाएं। अब दूसरा तरीका ये आता है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को अपनाया जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल है मिलेट्स, सॉरी, इसका बेस्ट एग्जांपल है मिलेट श्री अन्ना। आपको पता है कि ये जो ईयर है 2023, ये मिलेट ऑफ द ईयर है, और अभी जब G20 हुआ था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो गेस्ट आए थे फॉरेन से, उनको मिलेट्स की ही डिशेज़ परोसी थी इसकी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में हम भविष्य में इन्हें अपनाएंगे और बाकी कंट्रीज़ भी अपनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला तरीका है क्रॉप रोटेशन का। क्रॉप रोटेशन आपको पता ही होगा, पहले एक दूसरी फसल फिर दूसरी फसल, इसमें हम लोग चेंज कर देते हैं, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। ठीक है, और एक लास्ट तरीका है बेटर वाटर मैनेजमेंट का। अब बेटर वाटर मैनेजमेंट में मुझे जो लगता है कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, मानसून सीजन में कितना पानी आता है, हम कितना वेस्ट कर देते हैं, ऐसे ही ड्रेन आउट हो जाता है। अब ये मैंने साउथ इंडिया रीजन में तो बहुत देखा है कि वहाँ पे इसे अडॉप्ट करा जाए, लेकिन नॉर्थ इंडिया में नहीं है, तो हमें ये स्टेप नॉर्थ इंडिया में भी उठाने होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताएं, जिससे कि हम अपने आने वाली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। और हाँ, एक चीज़ और आपको बतानी थी कि जो हम MCQ की शॉर्ट वीडियोस ला रहे हैं ना, उसके साथ साथ हम डेली MCQ डोज सेशन भी लाने वाले हैं, और आपको अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।